मैं नवीन सिद्दीकी मेट्रो सर्विस पाकिस्तान के साथ सो मौजूद हूँ मैं केडीए सिविक सेंटर में, और केडीए सिविक सेंटर में जो है अब से कुछ देर तक जो है कार मीटिंग हुई केडीए इंप्लाई यूनियन लेबर डिवीजन की जानिब से, और यहाँ पर जो तमाम के तमाम जो सदर मुतहदा और बीएसपी तमाम यकजा हुई है। इसी तरह से यहाँ पर भी यानी सिविक सेंटर में जो अलग अलग तंजीमें बनाई गई थी मजदूरों की, उस हवाले से भी खासतौर पर यकजहती के हवाले से यहाँ कॉर्नर मीटिंग हुई। तो आइए चलते हैं नवीद अनवर सिद्दीकी से बात करते हैं, उसके साथ साथ जो बीएसपी के इमरान हुसैन थे उनसे आई बात करते हैं। आइए, जैसा कि आपके इल्म में ये बात है कि पाक सरजमीन तंजीम बहाली कमेटी और मुत्तहिदा कॉमनमेंट सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, उसकी वजूहत आपके सामने होगी। आपके चैनल से ये तसल्लुस ये कहना चाहूँगा, जो हल्कियाबंदियाँ की गई, जिस तरह हमारे साथ नाइंसाफियाँ की गईं, जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाली इस वक्त की जो बल्दियाती इदारों में जो सेलेक्ट होके चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए हैं, और मैं आपके चैनल से तवसुस से ये बात बताना चाहता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी काजी सराजुल हक ने यह कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर करप्शन को ख़त्म करेंगे। जनरल वर्कर इजलास था, उसमें अपने पार्टी सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पे अपने घर वापस लौटा हूँ, और इंशाल्लाह इस अज़्म के साथ कि हम अपने घर को मजबूत करेंगे और जो दुश्मन उसकी दीवारों को चाटने की कोशिश कर रहे हैं या उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम लोग मिलकर अपनी घर की दीवारों को पुख्ता करेंगे और इस घर की तज़ीनो आराइश में अपना किरदार तंजीमी ढांचे की अहमियत रही है, और यही सबक हमें हमारे बड़ों ने जो है पढ़ाया है। लेकिन मैं अपने ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शख्सियत भी मैटर करती है, क्योंकि साइंसदान तो बहुत सारे गुजरे हैं, मतलब जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस मुल्क के लिए कर गए वो कोई नहीं कर सकता। पाँचों उंगलियाँ और पाँचों की सलाहियत बराबर नहीं हो सकती। तो बहरहाल मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई ऐसी मिसाल नहीं देना चाहता। पैगंबर जो पैगंबर गुजरे हैं उन्होंने भी लोगों को मांगा है कि अल्लाह मैं इनको मुशर्रफ इस्लाम कर दे, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं जाऊँ या छोड़ के जाऊँ तो इस बिल्डिंग में पार्टी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।